एक समय था वो अपने पोते पोतियों के पहरेदार बन जाते थे। मासूम बचपन भी खिलखिलाता था। परिवार वाले अपनी समस्या और विचार उनसे बांटते थे। फिर वो एक दिन अलविदा कह गए। छोड़ जाते हैं वो अपनी देह, पीछे रह जाती है उनकी यादें और साथ रहती है उनकी दुआएं। बस फर्क इतना ही है, वो दिखाई नहीं देती। अंतिम संस्कार होने के करीब साल भर बाद या 6 महीने बाद वार्षिक होती है, जिसके लिए पूरा परिवार इकट्ठे होते हैं। सबसे छोटा भाई गांव में रहता है और उनके 3 बड़े भाई शहर में रहते हैं। तीनों अपने स्वर्गीय पिताजी के वार्षिक करने के लिए परिवार सहित एक एक करके वार्षिक के कुछ दिन पहले गांव में पहुंचते हैं। आज सबसे छोटा वाला भाई किसी काम से ही पास के गांव में जा रखे हैं। शाम तक वह भी पहुंच जाएंगे। वार्षिक करने का तरीका हर जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहां पर किस प्रकार से होता है वह हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जवल पानी लेवल तुम जरा चलो बालों का साथ भाई, बहुत बढ़िया भाई। पहले अगर ये का रोड अगर चोरी हो जाए ना तो हाईवे चल बढ़िया जो मैं रोज गया तभी आए चो छोड़ी पर ये डामोला तो हाल बुरा। गांव के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं और उनके काम आते हैं। गांव ही है जो हमारे सभ्यता का एक प्रतीक भी है। पूरे परिवार के पहुंचते ही गांव के बड़े बुजुर्ग और गांव के लोग और रिश्तेदार इनसे मिलने के लिए इनके घर में पहुंचने लगते हैं और राय मशवरा का दौर शुरू हो जाता है कि किस प्रकार से कार्यक्रम होगा, क्योंकि बारिश हो रही है। इसमें पूरे गांव और आसपास के लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। चलिए पहले जानते हैं वार्षिक के बारे में। जिस तारीख को किसी का स्वर्गवास हो जाता है वो तिथि निकाली जाती है और वो तिथि उसके बाद स्वर्गवास के बाद 13वें दिन में 13वीं और उसके अनुसार शुभ बार के दिन लिंग की स्थापना, उसमें 16वें दिन भी हो सकता है और 21वें दिन भी। फिर 1 महीने में ठीक यानी फिर पिंडदान, इस ढंग से 12 महीने के 12 पिंडदान और फिर उसी तिथि पे यानी पितरों की वार्षिक यानी श्राद्ध, जिसको हम कहते हैं बरसोटी और वार्षिक श्राद्ध, या उसको हम कहते हैं पिंड मिलापन, प्रेत योनि से पितृ योनि में जाने के लिए उस क्रिया का नाम पिंड मिलापन क्रिया कहलाती है। उसके बाद वो प्रेत से हमारे जो स्वर्गवास हुए हैं वो जो ने पितृलोक में हमारे जो आगे के जो पुरखे के हमारे दादा परदादा इत्यादि हैं उनमें मिल जाते हैं, तब वो पितृ कहलाते हैं और ये जो है वार्षिक श्राद्ध कहलाता है। तीसरे या 5वें वर्ष में हम उसी तिथि में उन पितरों की मुक्ति के लिए या देवलोक और पितृलोक को प्रस्थान करने के लिए हम उनका पार्वण श्राद्ध करते हैं। परिवार के बुजुर्गों से राय मशवरा लेने के बाद
तीनों भाई आपस में वार्तालाप करते हैं। करीब 3-4 बार बोली है हिसाब से कम से कम यार 7 जून में अच्छे ना 7 लगने भाई 7 अगर को भोज न तो थोड़ा ज्यादा लगा ना यार दी टाइम भोज ना दी हम मना गया टाइम भी कम हम बहुत सब चीज देख रही थी साहब सर देश काल परिस्थिति के अनुसार ये सब बना जोने छ तो क्या ले तो पर बात हां कपड़ो तो मैं दियो ना मैं बेजी वाली बात करो कपड़ो तू तुम जाने यार रास रास ना चला या यो नो रास ना ना यो तो वही ना बात चल जाना तुम वही ये लियो मैं छोकुल पहले तो ते काका बोलो कि पूरा गांव अपने आप इनके साथ इसे अपना काम समझकर इनके साथ एकजुट हो जाते हैं। अब छोटा भाई भी पहुंच चुका है। जवान लड़कों की एक टीम बन जाती है। वे अपने हिसाब से अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। एक फ्रेम वाले दुकानी में जाए और तोबड़न कम से कम 250 पत्तल देता है और तू यानी कि फिर पनीर भी लेता है। वैसे तो पहाड़ों में काम करना एक चुनौती होती है, लेकिन खाना बनाने के लिए बर्तन लाना, पानी लाना भी एक चुनौती होती है, जिसे गांव के जवान लोग संभालते हैं। बर्तन लाने के लिए गांव से काफी दूर जाना पड़ता है, जहाँ पर पंचायती घर होता है वहाँ पर बर्तन रखे रहते हैं। यह बर्तन गांव वालों के अपने ही बर्तन होते हैं। खाना बनाने की जिम्मेदारी गांव वालों के हाथों में होती है। चलो Hey!
डंडा भी निकाल दो जिसका होगा। परिवार के बुजुर्ग पूरे काम की निगरानी करते रहते हैं। इस दौरान मेहमान दूर दूर से भी आएंगे, उनके रात को ठहरने के लिए आसपास के घरों में इंतजाम किया जाता है, कपड़े भी इकट्ठे किए जाते हैं। खाना बनाने का राशन भी पहुंच चुका है। और अब खेत में खाना बनाने के लिए चूल्हे लगाए जा रहे हैं। तजुर्बेदार आदमी ही चूल्हा लगाता है। खाना लकड़ियों से बनाया जाता है। अब रात हो चुकी है। दूसरे दिन शाम को मेहमान और पूरे गांव वालों का रात का खाना बनेगा, जिसे हम अगले भाग में दिखाएंगे।